हाँ जी, आज जो हमारा टेस्ट जो होगा तो हमारे पास जो आज हमारा टेस्ट होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए मेरा बेटा, आज हम सबसे पहले कल न्यूमेरिकल की बात करेंगे। मैंने आपको बताया इन्हीं 60-70 MCQs में आज आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल आपका टेस्ट सेशन भी चल रहा है, और मेरे से मैनेजर साहब ये भी पूछ रहे हैं, सर कैमरा के सामने आप आ गए हैं और लगता है सोते ही आ गए हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने, आपने ठीक फरमाया, मैं टेस्ट चेक कर रहा था और उसके बाद टेस्ट चेक करते करते ही मुझे नींद आ गई। और जैसे मैंने देखा अलार्म लगाया हुआ था आपकी क्लास के लिए 3:30 का, तो फिर मैंने कहा यार बच्चों शहजादों को ज्यादा वेट ना करना पड़ा, जल्दी जल्दी लाइव हो जाओ ताकि उनके लिए ज्यादा मुश्किल ना हो। तो मेरे बेटे आज आप लोगों का फिजिक्स का टेस्ट है, 5 मिनट का टेस्ट होगा, और 4:10 पे, 4:10 पे हम ये टेस्ट स्टार्ट करेंगे। अब बच्चे बार बार जो न्यू है वो ये क्वेश्चन करेंगे कि सर ये टेस्ट कौन सा होगा, ये टेस्ट कैसे आएगा, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। तो उसके बारे में मेरा बेटा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं एक दफा कि हमारे पास 5-10 नंबर 10 MCQs के लिए जो 5 नंबर का टेस्ट होगा, तो उसके लिए जरा देख लें। हाँ, ये जूमिंग में जरा बढ़ा लूं बेटा ताकि आप लोगों को जो ये बिल्कुल क्लियर नजर आए। जी, ये क्वेश्चन कर रहे थे जिसपे किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि सर आपने ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो वो मैंने कल बताया था आपको कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एक ये जो क्वेश्चन है, माइक्रो को नैनो में कन्वर्ट करना और माइक्रो को पीको में, फिर नैनो टू पीको में जाना, जिसका सबसे आसान तरीका है वो ये है मेरा बेटा कि हम लोगों ने सिंपली ये करना है कि हमने तीन प्रीफिक्सेस के दरमियान, तीन प्रीफिक्सेस में हमें आपस में रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो आपको सबसे आसान तरीका ये बताता हूँ कि आप सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, आप बड़े वाला प्रीफिक्स लिखे, देखो माइक्रो है, नैनो है, पीको है, इसमें पावर 9 जिसकी माइनस में ज्यादा है उसको ले लेते हैं, और हर पावर 9 को, 10 की पावर -9 को जब आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे बेटे आपके पास आंसर आएगा 10 की पावर 3 के साथ। देखिए मल्टीप्लाई करना है हमने, उसको इंटर कन्वर्ट करना है, तो 1 नैनो इक्वल होता है 10 की पावर -9 के, तो 1000 नैनो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा 1 माइक्रो के, क्योंकि जब 1000 के साथ मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा, एक तरीका ये है, तो -9 और +3 -6 हो जाएंगे, और उसके बाद जब -6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके साथ ही हमारे पास किलो में भी आ सकता है। ये माइक्रो है, नैनो है और पीको है, और पीको आपको पता है बेटा होता है 10 की पावर -12 के इक्वल। तो इस तरह आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 की पावर -12 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, पीको में। ये सबसे आसान तरीका था और ये 1 मिनट में भी हो जाना चाहिए। आप लोगों से इसको कैसे करना है मेरे, बस हमने एक दफा कमेंट आ जाए ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि क्या चल रहा है। जी आ गए, बस 1 मिनट में आ गया, आ गया, आ गया, लाइव हो गए जी। हमारे पास कितने लोग लाइव आ रहे हैं, एक तो कल आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम थी, और कल मैंने वाकई में डांटा नहीं था, सिर्फ प्यार से समझाया था, तो मेरी बात को बिल्कुल आप लोगों ने दिल पे नहीं लेना, ठीक है जी मेरा बेटा। अब होपफुली क्लियर हो चुका होगा, काफी टाइम लग गया मेरा। अच्छा मेरा बेटा, जो लोग न्यू है उन लोगों का अगेन ये चीज मैं मेरा बता दूं, 91 लोग हमारे पास लाइव हैं, जो लोग यूट्यूब पे, जरा जल्दी से campus.pk पे आ जाएं। और देखें सबसे पहले हमें ये बात करनी होती है कि माइक्रो से नैनो जाना है, माइक्रो भी प्रीफिक्स है और नैनो भी प्रीफिक्स है। माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6 और नैनो की वैल्यू 10 की पावर -9। हमें माइक्रो से नैनो जाना है, मतलब माइक्रो से नैनो के लिए जाने के लिए 1 माइक्रो सबसे पहले लिखते हैं -6 है, और इसको -9 बनाना है। -9 बनाने के लिए -6 में -3 ऐड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे मेरा बेटा कि हम माइक्रो को 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1000 से डिवाइड भी करेंगे। देखो किसी भी नंबर को एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से उस नंबर पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, क्योंकि 1000 आपके पास जब डिवाइड करोगे तो 1000 की वैल्यू है जो ऊपर आके -3 हो जाएगी, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 की पावर -3 एंड 10 की पावर 3 का मतलब ये है कि
एक दफा आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया और एक दफा 1000 से डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड वाला वर्ड इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि माइनस थ्री का मतलब ये है कि ये 10 की पावर ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जब पावर शिफ्ट होती है तो वैल्यू प्लस की माइनस में हो जाती है। 1000 से जब डिवाइड करोगे तो 1000 नीचे प्लस थ्री में है, ऊपर जब जाएगा तो माइनस थ्री में आ जाएगा। इसलिए मैंने इस नंबर को लिखा इसी नंबर, या अगर दूसरी वर्डों में मैं बताऊं तो मेरे भाई माइनस थ्री और प्लस थ्री इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 का मतलब ये होता है 1। इट मींस कि 1 के साथ भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे, जब -6 और -3 किया तो ये बन गया -9, और 10 की पावर 3 7 हमने लिख दिया। तो 10 की पावर 3 नैनो इक्वल होता है 1 माइक्रो के, कि 1000 नैनो हो तो 1 माइक्रो बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को इस तरह से भी बताया था, मेरे सामने तो बेटा बिल्कुल क्लियर आ रहा है जो स्क्रीन मेरे सामने है उसके अकॉर्डिंग। तो अपनी क्वालिटी को बेटा चेंज करके देखिए वीडियो क्वालिटी को, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, क्योंकि अगर कुछ लोगों को क्लियर आ रहा है तो बाकियों को भी आएगा। सर क्लियर नहीं है स्क्रीन, क्लियर है कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर है और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं क्लियर है। अगेन बेटा आपके पास वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आता है, उसको चेंज करके देखिए आपके पास स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जी और जी मेरे बेटा मैं बता देता हूं, ओके क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में भी आता है। इसका सबसे आसान फार्मूला मैंने आपको ये बताया था, तीनों को माइक्रो नैनो और पीको तीनों को लिखे, पीको होता है 10 की पावर -12, हर एक को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें। जब हर एक को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये दूसरे प्रीफिक्स में बदल जाएगा। 10 की पावर -12 से स्टार्ट करें, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 बन जाएगा, -9 का मतलब नैनो, -9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 बन जाएगा, उसका मतलब क्या होता है माइक्रो। हम किसमें आए, पीको से नैनो में और नैनो से पीको में, और पूछा यही गया कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, तो ऐसे रिलेट। उसके बाद मेरे भाई हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है कि योर हेयर ग्रोथ रेट, एक दिन में आपके जो बाल है सर के बाल है जो उनका साइज बढ़ रहा है, ये देखिए जी कुछ की अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर है और कुछ की अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर है, तो क्या करना चाहिए फिर भाई। टेस्ट मेरा बेटा 5 मिनट तक टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, एमसीक्यूज होंगे उसमें 10 दिन के लिए, 5 मिनट का टाइम होगा। और अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज पढ़े हुए हैं, चैप्टर्स पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों के लिए आज 100% सबके नंबर आएंगे, 10/10 ही आएंगे। मेरा बेटा मैं बता दूंगा ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन, आप फिलहाल इसके ऊपर लिख लें, और इससे पहले जो दूसरा क्वेश्चन किया है वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और 8वां भी इंपॉर्टेंट है। बेटा 1/2 में कुजामा जो भी है उनको मैं दोबारा बता दूं, बेटा हमने तीन प्रीफिक्सेस के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या तीनों एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो सकते हैं, ये चीज पूछी गई। हाँ जी ये तीनों एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं कि 10 की पावर -12 एक पीको होता है, अगर मैं 1000 पीको लिखूं तो वो एक माइक्रो के इक्वल होते हैं, और अगर मैं 1000 नैनो के इक्वल होते हैं, और अगर 1000 नैनो लिखूं तो एक माइक्रो के इक्वल होते हैं। क्यों, जब आप इन हर एक 1000 के साथ दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन का मतलब ही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। जी बेटा मैं बता दूंगा, वेलकम सलाम, ओके सलाम। जी यार एक तो ये चीज के स्टूडेंट्स आई डोंट नो क्यों भाग गए, आज आप लोगों का टेस्ट, और टेस्ट के नाम से भागने का मतलब बिल्कुल नहीं होता मेरा बेटा, टेस्ट बहुत आसान होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, और जब आप लोग टेस्ट देते हो तो ये जस्ट अब प्रैक्टिस है, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है। अभी तो यार आगाज हुआ है, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो बहुत हमारे 8 चैप्टर बने हैं, और क्या क्या टेस्ट होंगे, पूरे पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा, इतने इतने लंबे न्यूमेरिकल्स आएंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल कोरोना खत्म होने वाला है जल्दी, तो हमारा स्टूडियो हमारे सामने होगा, व्हाइट बोर्ड हमारे सामने होगा, और पूरी 40 मिनट की जब क्लास होगी, इंटरेक्शन होगी, तो और ज्यादा मजा आएगा। अभी तो फिलहाल ये होता है कि ये स्क्रीन पे आपके सामने प्रेजेंटेशन दी जाती, कोशिश की जाती कि आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। जी 1 मिलीमीटर पर डे है, मतलब एक दिन में 1 मिलीमीटर आपके बालों का साइज बढ़ता है, तो
तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करोगे, वन के बाद शिफ्ट करोगे तो टेन इक्वल माइनस वन आ जाएगी जो कि माइनस नाइन बन जाएगी, और माइनस नाइन हम नहीं लिखेंगे, हम वहां पे नैनो लिख देंगे, तो रेट है 0.5 पर सेकंड, भी 1 मिलीमीटर पर डे ही है, लेकिन हमने क्या किया, अब यूनिट चेंज कर, जब नैनोमीटर पर सेकंड में ले गए तो यही वैल्यू बन गई 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। अभी बेटा पता चल जाएगा, टाइम खत्म होने वाला है, 3 मिनट का टाइम रह गया, तो पता चल जाएगा आप लोग लेट थे या सिस्टम में कोई इश्यू था, क्योंकि अगर आप लोग बाकी लोगों के टेस्ट हो रहे हैं इट मींस कि आप लोग लेट हो गए थे, या फिर आपने पेज रिफ्रेश किया होगा, पेज रिफ्रेश करने से, टैब को चेंज करने से टेस्ट गायब हो जाता है, आपके सामने नहीं आता, या फिर कहीं आप और बिजी हो जाते हैं, तो ऐसा करने से आपका टेस्ट आपको स्क्रीन पे क्लियर नजर नहीं आता या नजर ही नहीं आता। जी मिस सबा को ये जरूर बताएं कि आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो वो आपको बता देती हैं कि क्या इशू है जिनके सामने टेस्ट शो नहीं हो रहा। और जो लोग भी बेटा यूट्यूब पे हमारा लेक्चर देख रहे होते हैं, जिस सेंचुरी एटलीस्ट हो ही गई, अल्लाह अल्लाह करके वो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। तो आप लोग बेटा जो यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे होते हो, आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते अगर आप लोग यूट्यूब पे लेक्चर देखते रहेंगे, जस्ट आप ये किया करें कि आपने campus.bk पे लॉगिन होना है, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि वाकई आप एक क्लास में बैठे हुए, आप भी लोगों की तरह टेस्ट भी दे सकते हैं, टीचर से क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं। और मिस सबा ने बोला कि अपनी जीमेल आईडी और स्क्रीनशॉट मैसेज करें उनको, ताकि वो आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो उसको रिजोल्व कर दें। जी कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने टैब चेंज किया था इसलिए ऐसा हो गया। जी ये बस टाइम कुछ 1 मिनट 40 सेकंड का रह चुका है मेरा बेटा, जो लोग भी टेस्ट कर रहे हैं जल्दी से आपने टाइमली टेस्ट को खत्म करना है, बहुत आसान एमसीक्यू है, होपफुली सबके पूरे नंबर आने चाहिए। और जितना हम लोगों ने इस चैप्टर को वही कह सकते हैं जितना रगड़ा लगा चुके हैं, जितना बार बार पढ़ चुके हैं, तो अब तो मेरा नहीं ख्याल इसका एक नंबर भी आप लोगों का कटना चाहिए। जी 6 6 6 6 10 वाला भी जनाब कोई है तो अभी सामने आ जाएगा। अहमद आपका तो नंबर बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, आपके तो पूरे नंबर आने चाहिए। और मैं सबसे पहले इसका पूरे स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, क्योंकि लैपटॉप पे मैंने आपकी क्लास को लेक्चर ओपन किया होता है, तो लाइव में आपके मोबाइल पे होता हूँ। सो 999 वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन 10 वाला शहजादा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ जी सफा 10 है, कंग्रेचुलेशन बेटा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपका, एक नंबर भी नहीं कटा। और बोर्ड में आपको अगेन बार बार यही चीज बता देता हूँ कि नंबर सिर्फ वही है जो कि 60 out of 60 है। अगर आपका एक नंबर भी कटता है तो मैं उन नंबर्स को नंबर नहीं मानता, मेरे लिए वो नंबर कोई मायने नहीं रखते। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि बोर्ड के नंबर में वही नंबर है जो कि 10 out of 10 या फिर 60 out of 60 है। पूरे नंबर ही अच्छे नंबर होते हैं, अदरवाइज वो कोई नंबर नहीं होते। तो मेरा बेटा अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, नोट्स के लिए आप लोगों ने अगर मुझे फॉलो नहीं किया वो जरूर फॉलो भी करें, और इसके साथ साथ अपना फीडबैक भी सबमिट करवा करें, लाइव जरूर बैठा करें। 3:30 3:40 आप लोग कैंपस के लिए बैठ जाया करें, ताकि फिर आप लेट ना हो, और हमारा जो लेक्चर है जो कि 3:55 पे जाके हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं वो जल्दी पढ़ाना स्टार्ट करें। और कल मेरी यही कोशिश होगी कि इस स्क्रीन पे दोबारा फिर वही उसी जिस तरह पहले स्लाइड पे किया जाता था, उसी तरह स्लाइड पे मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बताने के साथ, कल 5 मिनट में शॉर्ट क्वेश्चन की डिटेल बता दूंगा। कल चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स का, जो कि स्लाइड पे होगा, ताकि आपका ये जो आज इशू आया था थोड़ा सा वो भी ना आए। तो अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखें, और दुआ में याद रखिएगा, कंग्रेचुलेशन जिनके 9 है, लेकिन मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोगों के 10 out of 10 ही आएंगे, 100% नंबर ही अच्छे नंबर होते हैं, अदरवाइज कोई नंबर नहीं होते। आप लोगों को बार बार ये चीज बताई जाती है कि आपने टैब चेंज नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, अगर चेंज करेंगे तो आपके सामने टेस्ट शो नहीं होगा। सो मेरा बेटा नेक्स्ट टाइम इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।